साल 2020 में लद्दाख की गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इस झड़प में चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे, जिसको लेकर भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2 सालों से अधिक समय तक तनाव रहा और चीन की सेना ने सीमा के कई ऐसे इलाकों में घुसकर कैंप बना लिए थे जो साझा गश्त के दायरे में आते थे। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की वार्ताओं के बाद इस वर्ष सितंबर में दोनों देशों की सेनाएं गोंगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटी थी, लेकिन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। ये झड़प 9 दिसंबर को तांगवांग के करीब हुई। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया, जिसमें चीन के 20 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए। अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के यांगसा में भी दोनों देशों के सैनिकों में विवाद हुआ था। घटना के बाद भारत के स्थानीय कमांडरों ने चीन पक्ष के कमांडरों के साथ फ्लैग मीटिंग की और पहले से तय व्यवस्था के तहत शांति और स्थिरता कायम करने की चर्चा की। सेना के सूत्रों ने बताया कि त्वांग में LAC के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं, यह दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। यह ट्रेंड 2006 से चल रहा है। भारत चीन के बीच हुए इस विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया। 2 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए, अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री ने इससे पहले आज विदेश सचिव, रक्षा सचिव, सेना के तीनों अध्यक्षों CDS और NSA अजीत डोवाल के साथ बैठक की थी। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक की थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।